आशुतोष महादेव, ये क्या, ये भोले बाबा का ही रूप है? हनुमान, तुम्हारे भोले बाबा आशुतोष हैं, औढ़रदानी हैं। आशुतोष का अर्थ है अति शीघ्र संतुष्ट होने वाले। हाँ, मेरी माँ ने भी मुझे ये कहा था कि महादेव जी को मात्र बेलपत्र चढ़ा दिया जाए तो वे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु औढ़रदानी अर्थात? औढ़रदानी का अर्थ है दोनों हाथों से सब कुछ प्रदान करने वाला, अर्थात भगवान शिव अपने जिस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं उसे समस्त ऐश्वर्य एवं शक्तियां प्रदान कर देते हैं। किंतु ऋषिवर, देवर्षि नारद जी ने जो मार्कंडेय जी को मंत्र दिया था, इस महामृत्युंजय मंत्र में ऐसा क्या है? हनुमान, मृत्युंजय का अर्थ ही है मृत्यु पर विजय दिलाने वाला। इस मंत्र का स्मरण मात्र से ही अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है, इसलिए इसे मृत्युंजय मंत्र कहते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षय मामृतात्। मृत्यु पर विजय, ये तो सर्वश्रेष्ठ मंत्र होगा। ऋषिवर, आप इस मंत्र के बारे में विस्तार से बताइए और हनुमान की जिज्ञासा शांत कीजिए। अवश्य, इस मंत्र में 33 अक्षर हैं। 35 अक्षर? हाँ, बाल को अक्षर को ब्रह्म माना गया है। हाँ ऋषिवर, मुझे स्मरण है, माँ ने मुझे बताया था अक्षर ब्रह्म के बारे में, जब मुझे सर्वप्रथम ओम लिखना सिखाया था माँ ने। ओम ही ब्रह्मनाद है, इसी से यह सारा संसार बना है। बालक, इस मंत्र के 33 अक्षर 33 ब्रह्म अर्थात 33 देवताओं के प्रतीक हैं। मारुति उत्सुक शिव संज्ञान चाहे आशुतोष का ज्ञान, शीघ्र तुष्ट जो आशुतोष वो अवठर दानी शिव निदोष वो। मुनि मतंग समझाते उनको ज्ञान समुद्र कहे जग जिनको, महामृत्युंजय महिमा न्यारी हनुमत मन सब संशय हारे। गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। किंतु ऋषिवर, किंतु इसे मृत्यु पर विजय कैसे संभव होती है? हनुमान, इस मंत्र के उच्चारण के साथ ही उस समस्त 33 ब्रह्मा अदृश्य रूप में भक्त की रक्षा करने के लिए तत्पर होते हैं। यह तुम्हें आगे की कथा सुनने के पश्चात ज्ञात हो जाएगा। बालकों, अब आगे की कथा ध्यान से सुनो। देवर्षि नारद के अंतर्ध्यान होते ही मार्कंडेय जा पहुंचा केदार क्षेत्र। वहां उसने अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण करके उसने भगवान शिव की आराधना आरंभ कर दी। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। किंतु ऋषिवर, मार्कंडेय जी के तो जीवन का अंतिम दिवस था, फिर उन्होंने कितने दिनों तक आराधना की? हनुमान, आराधना के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है। आराधना में भक्ति श्रद्धा एवं समर्पण की गहराई पर ही मंत्र की सफलता निर्भर करती है। मार्कंडेय ने अविलंब मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। ओम त्र्यंबकम् यजामहे
सुगंधिम्बु श्रीवरदानम् उर्वारुकमि भवन्दनान् मृत्योमोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम्बु श्रीवरदानम् उर्वारुकमि भवन्दनान् मृत्योमोक्षीयमामृतात्। तो क्या सत्य में मार्कंडे जी की ओर भाग बढ़ रहा था? हाँ हनुमान, मार्कंडेय का जाप आरंभ हुआ ही था कि उसका अंत काल बाघ का रूप लेकर मार्कंडेय की ओर पड़ने लगा। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम्बु श्रीवरदानम् उर्वारुकमि भवन्दनानकं यजामहे सुगन्धिम्बु श्रीवरदानम् ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम्बु श्रीवरदानम् का वाहन है सिंह, उन्होंने ही रक्षा की होगी मार्कंडेय जी की। जब भक्त पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ तप में लीन होता है तो प्रकृति भी उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो उठती है। प्रकृति को भी देवी माँ का ही रूप माना जाता है। कालवाग्रह के जाने से मार्कंडेय जी की मृत्यु भी टल गई होगी ना ऋषिवर? हनुमान, काल का विधान अटल और कठोर है जो कभी परिवर्तित नहीं होता। नियम तोड़ने का दंड हनुमान को मिलना ही चाहिए। मैं हनुमान को दंड देकर ही रहूंगा। नियम है तो यम है। यदि कालदेव अपने नियम पर अटल रहे तो मार्कंडेय जी को नया जीवन दान कैसे मिल सकता था? बड़ी ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई होगी ना? हाँ हनुमान, विधान ही काल की पहचान है। यम के नियम जितने कठोर है उतनी ही कठोरता से पालन करवाते हैं कालदेव। इसलिए उन्होंने मार्कंडेय के पास स्वयं ही जाकर उसके प्राण हरने का निर्णय ले लिया। कालदेव निरंतर प्रयास कर रहे थे और उधर मार्कंडेय इन सबसे अनभिज्ञ मंत्र जाप में इतना लीन हो गया था कि उसको स्वयं की सुध-बुध नहीं थी। यहाँ तक कि पतझड़ के सूखे पत्ते उसे ढकने लगे थे। बालक मार्कंडेय, तुम्हारे मृत्यु का समय आ गया है। मेरा मृत्यु पाश इसी क्षण तुम्हारे प्राण हर लेगा। तो उचित किया मार्कंडेय जी ने कि उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया। एक प्रकार से भोले बाबा के शरण में चले गए होंगे वो। हाँ हनुमान, उन्हें मंत्र की शक्ति और भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास था। तो
व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं है काल के समक्ष। सर्वोपरि है काल के नियम, नियम है तो यम है। महादेव, ये तो महादेव है। अब तो मेरा महादेव है मेरे साथ। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुमंदिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् विभवर्धनात् मृत्योपमुक्तिमामृतात्। मार्कंडेय, ओम त्र्यंबकम् यजामहे। महादेव भी नहीं बचा पाएंगे तुम्हारे प्राण आज मुझसे। उर्वारुकम् विभवर्धनात् मृत्योपमुक्तिमामृतात् प्रणाम महादेव। महादेव, आप तक मेरी करुण पुकार पहुंच ही गई। कोटि कोटि प्रणाम शिव शंकर। मार्कंडेय, तुम्हारी निष्ठा और मातृ पितृ भक्ति ने प्रसन्न कर दिया है मुझे। पुत्र मांगो, क्या वर चाहिए तुम? महादेव, आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे माता पिता की सेवा कर सकूं, इतना ही और जीवन चाहिए मुझे। मेरी अल्पायु के बारे में सोच सोच कर वर्षों से दुख उठा रहे हैं, बस उनका ये दुख दूर हो जाए, इतनी ही अभिलाषा है मेरी। तो तुम मात्र अपने माता पिता की सेवा के लिए और जीवन चाहते हो? मेरा परम उद्देश्य तो मेरे माता पिता की सेवा है, किंतु मैं लोक कल्याण के लिए भी अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो ये बताओ, तुम्हारी दृष्टि में लोक कल्याण क्या है? समाज में सद्विचार, सद्गुण, सधर्म, सत्कर्म और सत्य वचन का प्रचार एवं प्रसार करना, इनके प्रति जन साधारण को जागरूक करना ही लोक कल्याण है। मार्कंडेय, तुम्हारी तेजस्विता ने तुम्हें इस युग दृष्टा मंत्र का नियामक बना दिया। मैं तुम्हें दीर्घायु होने का वरदान देता हूं। चिरंजीवी भव। ये क्या किया आपने महादेव? ये असंभव है। इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है, इसके प्राण मैं अपने साथ ले जाने आया हूं। कालदेव, ये संसार कर्म प्रधान है, कर्म से मनुष्य अपने भाग्य को भी परिवर्तित कर सकता है। मार्कंडेय ने भी अपने कर्म से अपनी मृत्यु को टाल दिया है, इसलिए अब आप भी अपने धाम को लौट जाइए। तेजस्विता की ही विजय हुई, अंत में मार्कंडेय जी ने वरदान पा ही लिया। फिर तो महादेव के कहने पर कालदेव अपने धाम को लौट गए होंगे ना? नहीं हनुमान, कालदेव नहीं लौटे। आश्चर्य है, सृष्टि के सूत्रधार त्रिदेवों में से एक
महादेव के कहने पर कालदेव नहीं माने, फिर क्या किया कालदेव ने? कालदेव अपने नियम से बधे हुए थे। उन्होंने कहा, क्षमा करे भगवान, किंतु आप ही ने मुझे काल व्यवस्था सौंपी है। आयु पूर्ण होने पर आत्मा को ले जाकर उसे कर्म फल प्रदान करना ही मेरा धर्म है। इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है, अब मुझे उसकी आत्मा ले जानी होगी। मुझे मेरा धर्म निभाने दे प्रभु। कालदेव, सत्कर्म सब धर्मों से ऊपर है। जगत के हित के लिए सत्कर्म को प्रधानता देना मेरा ही नहीं, आपका भी कर्तव्य है। अतः अब आप ये धर्म हट त्याग कर मार्कंडेय को आशीर्वाद प्रदान करें और काल लोग लौट जाएं। किंतु इससे काल के नियम भंग हो जाएंगे महादेव। तो आप निभाइए अपना धर्म, मैंने भी जगत हित का धर्म निभाते हुए इसे चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। मैं आपके और इस बालक के मध्य खड़ा हूं, आपको मेरा सामना करना पड़ेगा काल। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, मैं नियमों से बंधा हुआ हूं। वायु के टकराने से पर्वत नहीं हिलते, ये बोध है मुझे, किंतु मैं अपना धर्म नहीं त्याग सकता, चाहे मेरा नाश हो जाए। मुझे क्षमा कीजिए महादेव, ये विवशता है मेरी। मार्कंडेय पुत्र, मार्कंडेय, राम महादेव, नारायण नारायण। मुझे भी इस बालक की भक्ति और तेजस्विता ने विवश कर दिया है कालदेव, आप करिए प्रहार। अर्थात कालदेव अपने धर्म पर अड़े रहे। हाँ हनुमान, मनुष्य को कभी धर्म के लिए हठ नहीं करना चाहिए। धर्म का हठ विडंबनाओं और विवादों को जन्म देता है। इस महाटकराव की भीषणता का आभास सबको था, इसलिए इसे रोकने के लिए सभी देवता महादेव और कालदेव से गुहार लगाने के लिए पहुंच गए, किंतु कालदेव नहीं मान रहे थे। अतः मार्कंडेय स्वयं उनके बीच पहुंच गए। महादेव क्षमा करें, मैं तो माता पिता की सेवा एवं जगत कल्याण के लिए आयु प्राप्त करना चाहता था, किंतु यदि मेरी आयु जगत के विनाश का कारण बनने लगे तो मुझे ऐसी आयु नहीं चाहिए। एक और महादेव, दूसरी और कालदेव, दोनों के विकराल शक्तियों के मध्य आकर कहीं मार्कंडेय जी ने कोई भूल तो नहीं कर दी?